Assalamu alaikum Hazrat, hazrat, mehu naila shuja, and you're watching Rise and Shine with Beria University. Today we're going to be talking to Dr. Uzma Masroor, who is the HOD of Professional Psychology here at Beria University Islamabad campus. Today we're going to be talking about the common problems students face regarding psychology and psychological issues that might be considered taboo, and we're going to gain some expert opinion on how to uh, manage. Our stresses, and uh, we're going to find out strategies on how to make them less, um, well, less heavy in our lives. So, ladies and gentlemen, I would like you to welcome Miss uh, Dr. Uzma. alaikum Wassalamuallaikum. Bilkul. Theek. It is such an honor to have you here, um, and you. I'm so excited to learn about psychology from you. Okay. So, let's start out, uh, start off with defining what psychology is. Okay. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर साइकोलॉजी बेसिकली इज वेरी कॉमनली नोन सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल अबाउट दू नो साइंस ऑफ माइंड ऑफ थिंकिंग साइंस ऑफ बिहेवियर द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ और स्टडी ऑफ दोल सोल जो है दैट इज समिंग डीपर तो इंसान को जो है ना वो उतना समझ नहीं आ सकता जितना आ, जो है हकीकत में एग्जिस्ट करता है प्रोबेबली तो वो वाली चीज़ें जो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल हैं अंडरस्टैंडेबल हैं कॉम्प्रिहेंसिबल हैं है, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और साइकोलॉजी में ये आपको ये हम पढ़ते हैं कि देखें हाउ डू यू थिंक थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप होता, होता है किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है किन चीज़ों से मॉडिफ़ाई होता है किस चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर और बिहेवियर अगर कोई ख़ास बिहेवियर है मसलन अभी हम बहुत सारे बिहेवियर्स की बात करेंगे तो वो जो बिहेवियर्स हैं वो उनमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनको कॉज कर रही होती हैं अगर वो अच्छा है तो क्या चीज़ उसको अच्छाई की तरफ़ यानी कि मोटिवेशन की तरफ ले जा रही है और अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टर्बिंग है तो क्या चीज़ ऐसी है कि वो डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहा है कौन से ट्रिगर्स हैं हाँ मतलब ट्रिगर्स हैं इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करती है आपके ऊपर यानी कि बिहेवियर और थिंकिंग के ऊपर आपकी अपनी पर्सनालिटी कितना कंट्रीब्यूट करती है और कैसे करती है आपकी जो सोशल इन्वामेंट है वो कैसे और ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसे करती है और फिर लर्निंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में एक्सपीरियंसेस से हम लर्न करते हैं हम कहते हैं ना कि जी वी शुड लर्न फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस तो वो वाले एक्सपीरियंसेस हमें क्या सिखाते हैं और हम हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी के मुताबिक अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक हर एक्सपीरियंस में से एक लेसन लेता है तो साइकोलॉजी जो है वो हमें फैसिलिटेट करती है हेल्प करती है ये चीज़ स्टडी करने में कि एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो है वो कैसे एक्ट कर रही है या एक ग्रुप के अंदर लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं और कौन से इन्फ्लुएंसेस एक्जैक्टली exactly, और पूरी सोसाइटी जो है वो किस डायमेंशन में जा रही है तो इसके काफ़ी लेवल्स हैं इस सब्जेक्ट के ठीक तो आ, कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं Uh, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब दे दी आपने आपने पूछा था कि ये सोशल साइंसेज में क्यों नहीं जी आपने ये पूछा था जी सोशल साइंसेज में इट डेफिनेटली सोशल साइंस डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर्स एंड एवरीथिंग साइकोलॉजी मगर सोशल जो साइड है वो उसका एक एस्पेक्ट है ठीक और सोशल साइंसेज से इसलिए किसी आ, हद तक हम इसको सेपरेट कर, करते हैं बिकॉज इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन है वो डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज वो इंडिविजुअलिटी की तरफ चली जाती हैं ठीक है थीके? उसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल की अपनी और फिर जब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप आ, किसी चीज़ को स्टडी करते हैं इतना क्लोज स्टडी करते हैं कि वो आपके मतलब प्रैक्टिकल लाइफ तक चला जाए तो प्रैक्टिकली बिहेवियर्स क्यों कॉज होते हैं क्या सिचुएशन वहाँ तक इसलिए फिर कुछ इस वजह से भी इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं के मुखलिफ सेटअप्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो कैसे हो सकते hmm. हैं तो ये मतलब नॉट ओनली सोशल बट ये सेल्फ रिलेटेड भी होता है आपने कहा कौन से स्टूडेंट्स में आप पूछना चाहेंगे या आप ओवरऑल पूछना चाहेंगे आई थिंक अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वह अच्छा है, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को थोड़ा सा Uh, एक चीज़ होती है जिसको हम uh, कहते हैं स्ट्रेस yeah. स्ट्रेस होती है uh, एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो नॉर्मल आप जो डे रूटीन के काम कर हुँ. रहे हैं उनको जब रेगुलेट करने में आपको मुश्किल होती है uh, मतलब आपके लिए उनको उनको लेके चलना मुश्किल हो जाता है कहीं पर अटक जाते हैं कहीं पर स्टक हो जाते हैं बैलेंस करना, मुश्किल, करना मुश्किल हो जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेस तो अब आप देखें कि जो स्टडीज़ का लोड होता है या देखें ना आप इस एज में स्टूडेंट्स की एज में वैसे भी पर्सनालिटी भी प्रोग्रेसिव जा रही होती है आपकी एक आइडेंटिटी भी डेवलप हो रही होती है आप एक पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे होते हैं अपनी खुद इंडिविजुअल पर्सनालिटी उसके साथ साथ जब आप स्टडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप कोई ना कोई इशू ज़रूर इनकाउंटर करते हैं वो वो माइनर ईशूज़ हैं uh, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ नहीं होते जैसे बाल दफ़ा यू समाइम्स लूज द ट्रैक Uh, करना कुछ था बच्चे कहते हैं कि जी हम टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते डिस्ट्रैक्टेड uh, बहुत फील करते हैं कंसंट्रेशन नहीं होती कंसंट्रेशन ही नहीं होती uh, फिर uh, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ओवरवेलम्ड uh, uh, हो जाते हैं कोई जो डे रूटीन की उनकी असाइनमेंट्स या वो जो उनकी स्टडीज होती हैं उससे हो जाते हैं uh, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास uh, की खास इन्वायरमेंट होती है उस इन्वायरमेंट में कोई अपनी छोटी सी बात हो जैसे अगर मुझे बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है या मुझे थोड़े से कॉन्फिडेंस का है कि मैं नहीं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकती या फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर नहीं कर सकती टीचर के क्वेश्चंस को तो ये भी हो सकता है कि मेरा एक खास किस्म का जो क्लास के अंदर एक इम्प्रेशन डेवलप हो जाए फिर उस इम्प्रेशन का बाज़ बच्चे जो हैं वो आ, कुछ इस तरह का भी तैयार कर लेते हैं मामला कि वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है तो क्लास की इन्वायरमेंट भी बार दफ़ा स्ट्रेसफुल होती है तो उससे क्या होता है कि ये छोटी चुछ छोटी चीज़ें चलती रहती हैं इसके अलावा ये कि देखें लाइफ में वैसे भी हम जब यूनिवर्सिटी आते हैं और जब पढ़ रहे होते हैं तो आ, हम डिटैच तो नहीं होते अपनी जो आ, होम एनवायरनमेंट है उससे या हमारे जो सोशल स्ट्रेसर्स हैं उनसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोशल स्ट्रेस भी जैसे अगर घर में कोई बात चल रही है आजकल थोड़ी सी स्ट्रेस आई आप शिफ्टिंग कर रहे हैं आप शहर चेंज कर रहे हैं आप जगह चेंज कर रहे हैं या घर में कोई बीमार है तो वो सारे इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर आते हैं जी। उससे क्या होता है कि आपकी फॉरन परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है और इंसान क्या करता है कि अपनी समझ के मुताबिक बार दफा बच्चे कहते हैं कि जी चूंकि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है मुझे स्ट्रेस हो रही है लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि सब्जेक्ट तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है

काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो सही भी है लेकिन बहुत सारी गलत भी है उसमें अब बच्चे दो तीन लाइनें पढ़ने के बाद कहते हैं कि मुझे तो सोशल फोबिया है और जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं भाई सोशल फोबिया तो किसी तरफ से भी नहीं है आपको क्योंकि जो आपके रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं उनकी नेचर भी डिफरेंट हो सकती है मगर ये कि वो नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है यानी कि जैसे थोड़ी सी देर के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि चीज टक हो जाती है आप खुद देखें कि जब हम फिजिकल एक्जर्शन बहुत करते हैं आप एग्जाम्स होते हैं या आपकी कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी होती है तो कुछ दिनों के बाद आप बीमार हो जाते हैं आप जल्दी कैच करते हैं वायरस को और आप कुछ अरसे के लिए आप वीक भी हो जाते हैं फिर भूख भी नहीं लग रही नहीं। होती तो बड़ी सिंपल सी बात है कि माइंड के साथ भी यही होता है कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस में से गुजर के आ रहे होते हैं तो छोटी सी चीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही और बहुत ही मुश्किल चीजें पढ़ के आ रहे हैं तो कोई छोटी सी चीज ही समझ नहीं आ रही तो ये चीजें जो है बच्चों को ये बताने की बात है कि ये नॉर्मल चीजें हैं इनको आप नॉर्मल चीजें लें मतलब अगर कोई जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट में इशू आता है जी तो आप टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैम देखें सर देखें ये बाकी चीज़ें तो आ, मतलब बाकी सबको बहुत आराम से समझ आ रहा है तो मुझे ये चीज़ ये चीज़ ये समझ नहीं आ रही अब टीचर जो है वो उसको गाइड करता है और वो बच्चा निकल आता है उसमें लेकिन थिंक अबाउट अ चाइल्ड जो जाता ही नहीं है टीचर के पास

को थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि आपके अंदर कुछ इमोशनल इश्यूज तो नहीं चल रहे और इमोशनल इश्यूज कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ के इवन आप कह दें कि मुझे नींद नहीं आती आजकल अब होगा ये कि मे बी आपकी पढ़ाई आजकल ज्यादा हो रही है कोई सब्जेक्ट का इशू आ रहा है आ, या या ग्रुप में किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन के इश्यूज हो गए हैं कोई असाइनमेंट का मामला था किसी ने मुझे कोई बात कर दी कोई भी चीज़ थी मगर वो मेरे दिमाग पे सवार हो गई है और क्या होगा कि मेरी नींद भी उठ जाएगी मैं दो अगले दिन भी क्लास में उसके बारे में सोचती रहूँगी तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहेगी तो इट्स बेटर कि अगर आप किसी से बात कर लें यह भी ये भी एक टिप्स में आता है क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप समझते हैं समझदार होंगे आपसे बड़े भी होंगे कुछ कुछ वाइज लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं आप उनसे बात करें आप उन्हें कहें कि ये चीज़ में तो मैं जो इंक्रेज करूँगी ना अपने इस प्रोग्राम के मैं ये कहूँगी कि जी आपको थोड़ा सा ना अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें ठीक तो आप प्रॉब्लम और नॉर्मल सिचुएशन में क्या फर्क होता है हाउ वी कि प्रॉब्लम है या एक चीज़ नॉर्मल है, है इसके दो क्राइटेरिया uh, हैं पहला ये कि वो चीज़ आकर और कुछ देर के बाद रिजॉल्व हो जाती है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई और फिर चली गई एंड यू यू आर आउट ऑफ इट तो दैट मीन्स इट वॉज नॉर्मल स्ट्रेस और वो आप बाहर आ गए एक तो ये निशानी होती है और दूसरा जो है उसकी इंटेंसिटी का फर्क होता है ठीक है उसकी इंटेंसिटी इतनी ना हो कि नॉर्मल सी चीज़ की में तो आप ये होता है कि आप अपनी बाकी लाइफ एक्टिविटीज़ को भी कैरी आउट करते रहते हैं रूटीन में लेकिन जब आपकी वो स्ट्रक हो जाए कि देखें जी आज तो बाहर जाना था सब बच्चे इकट्ठे हो रहे थे कोई पार्टी थी लेकिन मुझे तो एग्ज़ाम की इतनी फिक्र है मैं तो नहीं जा सकती तो आपकी लाइफ जो है वो या घर में गेस्ट आ रहे हैं या कहीं जो भी कोई ऐसा काम जो नॉर्मल रूटीन में हो जाता लेकिन मैं अपनी किसी खास उसकी वजह से तो एक चीज होगी वो एक चीज आकर वो स्ट्रेस की कोई भी टाइप हो सकती है वो जा ही नहीं रही है जी वो थोड़ी देख ली जाती है और अनकॉल्ड फॉर दोबारा आ जाती है है जी वो हो सकता हो सकता रिलैप्स है रिलैप्स हो रहा है उसका बार बार हालांकि अब तो ऐसी कोई बात नहीं है वो इसका मतलब है कि ये ये चीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इसको दिखा लें किसी से बात कर लें प्रोफेशनल हेल्प ले लें और दूसरी चीज़ वही है कि अगर आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हिंडर hmm. कर रही हैं तो दैट मीन्स कि फिर आप बात करें चले um, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे तो डोंट गो एनी राइट विल TV and Dr. Uzma Masrur saad, who is the HOD of Psychology here at Barry University Islamabad Campus. We baat talking the the different types of problems students face, psychological problems that is. So we were talking about overthinking, lack of confidence, um, anxiety. So we were also talking about different stressors and influencers. So how can we manage this on a day-to-day -day basis? Mm -hmm. I think first thing is to uh, recognize whether Whether something is different with you, वही क्राइटेरियन के अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है बाकी लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी hmm. क्लास में आपसे नहीं हो रहा hmm. जी. बाकी जो है वो छोटी सी बात होने के बाद एवरीबडी फोरगेट्स अबाउट आपके माइंड पे लिंगर ऑन करब्स यू आप जरूर पहली बात तो ये हो गई दूसरा ये कि देर आर मेनी वेज ऑफ हैंडलिंग योर ओन सेल्फ नाउ सेल्फ हेल्प कह लें सेल्फ hmm. मैनेजमेंट कह लें एंड यू कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट एज वेल जिसमें मोस्टली दे प्रिफर सम एक्सरसाइज लाइक सम क्रिएटिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और इसके अलावा रिलैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट mm, होती है बिकॉज मोस्टली हम टेंस होते हैं हमारी hmm. मतलब वो जो ओवर थिंकिंग है ना वो हमें जो है वो फिजिकली भी अनइजी करती है mm, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब आपके पास टाइम मिले अपनी क्लासेस के दरम्यान में या वैसे कभी क्लास ना हो या कुछ ऐसे तो आप थोड़ी देर के लिए जरूर फिजिकली कोई एक्सरसाइज करें कुछ एक्टिविटी करें फिज़िकल एक्टिविटी को पार्ट बना लें अपनी लाइफ का जी. मतलब चलने की आदत डालें तो उससे क्या होता है कि थोड़ा एक सेल्फ रेगुलेशन भी हुँ. होती है बॉडी की तो वो जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती हैं वो आमतौर पे थोड़ी Flow कम आउट हो जाती है फ्लोआउट भी हो जाती हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है टीचर ने कोई वैसे ही छोटी मोटी बात कह दी मजाक में द स्टूडेंट टेक्स ऑफेंस एंड दे गेट वेरी कॉन्शियस एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बीइंग बिल्ट इन देम एंड सडनली दे हैव अ रेज वो रेज बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स के साथ किसी के साथ मिसबिहेव कर लिया टीचर के साथ मिसबिहेव कर लिया किसी स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर लिया तो वट आर सम कोपिंग मैकेनिज्म हाउ कैन वी कंटेन आवर सेल्फ इन अ वेरी सिविलाइज वे ओके ओके देखिए वो जो भी स्टूडेंट uh, है जो कि टीचर की किसी बात को बहुत पर्सनल ले रहा है जी और उसको बहुत रेज आ गया हुँ. तो जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको जस्टिफाइड लगेगा जी. और वो ही वुड बी एबल टू मेक अ लिंक के पहले ये बात की थी तो मेरे ही पे बात की गई वो टू सम एक्सटेंट काइंड ऑफ दिस इज हेल्पिंग बिहेवियर के आपको समझ आ जाए अपनी लेकिन वो जो रेज है वो जो एक्टिंग आउट है वो हुँ. जो बिहेवियर जो आउटबर्स्ट है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है सो फर्स्ट थिंग इज टू टेक ऑफ योर ओन बिहेवियर मतलब ऑफ एलोकेटिंग स्लैप किया है या किसी को तो पुश किया है, mm. किया है verbally. Verbally भी आपने कुछ कहा है कोई लैंग्वेज mm. आपने यूज किया है तो एवरीबडी नोज राइट फ्रॉम हार्ट के ये चीज ठीक नहीं है mm. जी. बेशक के वो उसको नहीं एक्सेप्ट uh, करे डिनाइल mm. में चला जाए मगर पहली चीज तो ये है कि अपना हमेशा एक बात सोच लें कि यही बिहेवियर जस्ट यूज मिरर टेक्निक टेक्निक कि थिंक ऑफ एनदर पर्सन डूइंग द सेम विद यू सो हाउ वुड यू थिंक दैट मोमेंट तो उससे क्या होगा कि डिसीजन वुड बी इजियर फॉर यू फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी कहते हैं कभी कभी टीचर कोई बात करता है और एक बच्चे को गुस्सा आ जाता hmm. है हमें वो बात ऐसी नहीं लगी लग हम कहते हैं यार ऐसी भी क्या बात थी बंदा कंट्रोल ही कर लेता है लेकिन जब मेरे पे आती है तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ तो वो एक मिरर टेक्निक को यूज जरूर करें कि आप देखें कि जो बिहेवियर है और अगर उस वक्त हो गया फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हम लोग अब साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के लोगों को पढ़ पढ़ के इस बात में आ गए हैं थोड़ा सा कि बाल दफा ना इंसान का उस वक्त फॉल्ट नहीं होता ठीक है ना राइट एट द मोमेंट उसका फॉल्ट नहीं होता लेट सपोज अगर उसको रेज आ भी गया है और उसने वो एक्ट आउट कर भी दिया है तो वंस इन अ वायल इट इज ओके आप ठीक hmm. है उसमें अब कुछ uh, कुछ बाउंड्रीज भी होंगी कि आपने टीचर से बदतमीजी तो नहीं की आपने किसी को फिजिकली हिट तो नहीं कर दिया ऑब्वियसली उसके अपने uh, होंगे तो और वो उसकी पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी कमेटी आपको देखेगी जी. लेकिन जो आपके अगर आपने इंटरनली उसको रिजॉल्व करना है और सोचना है कि ये चीज़ दोबारा नहीं hmm. हो <coughs> तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं मसलन जस्ट हैविंग सम इनसाइट इनटू योर ओन बिहेवियर आफ्टर यू यू डू दैट उसके बाद आप जरूर उसको इवेलुएट करें हम जब कभी किसी के साथ प्रोफेशनल हेल्प करते हैं काउंसलिंग करते हैं तो उसको एक चीज़ सिखाते हैं उसको कहते हैं कि आप दिन भर जो कुछ भी आपके साथ हुआ हुआ होता है आप रात को बैठ कर आंखें बंद करके सोने से पहले उसको सारे को एक दफ़ा देखें कि आप क्या करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में आती हैं इनसाइटफुल और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और ये वो तो देन इट इज़ परफेक्टली ओके टू टॉक टू समन बट और आरबलॉज तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आई कम्पलीटली एडमिट कि एक्चुअली पाकिस्तान में जैसे और बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि माल प्रैक्टिस में चली गई हैं जी ठीक है तो मैं समझती हूँ कि जो साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो भी काफ़ी मिसअरस्टूड भी हो गया हुआ है कुछ माल प्रैक्टिस से हुआ होगा या किस चीज से हुआ होगा मैं खुद बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ देखती हूँ कहते हैं कि नहीं जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो और ही मामला खराब हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखते ये लोग ये लोग सीक्रेसी नहीं रखते वो तो मैं बार बार उनको यही कहूंगी कि देखें एक प्रोफेशनल हेल्प लेने से और एक नॉन प्रोफेशनल हेल्प लेने से बहुत ही फर्क होता है दोनों में आजकल जब आप कहीं फोटोग्राफी के लिए भी जाते हैं किसी के पास भी जाते हैं छोटी सी हेल्प के लिए आप उनसे देख लेते हैं कि उनके प्रोफेशनल क्रीडेंशियल्स क्या हैं वो लोग कौन हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई हुई है और आजकल मतलब ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है तो आप उन उनके साथ फिर उनसे सर्विसेज लेते हैं इसी तरह जब भी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आप सबसे पहली बात तो ये कि आप देख लें कि आप जा कहाँ पे रहे ये जरूर देख लें तो बाकी ये कि जहां तक ये बात है कि जी अब ये एक टैबू भी बन गया है और ये वो तो ऑब्वियसली अब, अब हम कुछ और तो नहीं कर सकते ये कर सकते हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं या जो हमारे लेवल पे हमारी एक्सेस में जो लोग हैं हम उनको प्रोफेशनली ट्रेन कर दें कि अगर हमारे तक आप एक्सेस करते हैं तो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो जी क्योंकि बैड तो एक्सपीरियंस को तो अंडू नहीं आप कर सकते के तो है पाकिस्तान में कोई अदारा है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एम डी सी में चेक कर सकते हैं जाके कम्प्लेन कर सकते हैं. Hmm. अभी लेटली साइकोलॉजी का कोई एस कोई बॉडी नहीं है जो hmm. जो प्रॉपरली रेगुलेट करे की जी ये प्रैक्टिस माल प्रेक्टिस तो नहीं hmm. है ये चीज यहाँ से हम लैक कर रहे हैं अभी. Hmm. तो इसमें सिर्फ हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि आप ये देख लें कि आप अगर किसी कोई प्रोफेशनल हेल्प है ले रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड पता हो प्रोफेशनल का उसका एक्सपीरियंस उसका वो उसका ताल्लुक कहाँ से है वो आप देखें तो अभी ये जैसे हम लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्विसेज लॉन्च की हैं इसमें हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं मैं अब ये करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है हुँ. तो मैं मुख्तलि क्लासेस में चली जाती हूँ अब बच्चे मुझे इस तरह से जानते हैं कि ये आके कहेंगे बेटा काउंसलिंग करवाया करो अपनी। जी. तो दिनो में और उनको जाके मैं ये बताती नहीं हूँ कि मैं जो है वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक hmm. है मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ कि देखें काउंसलिंग जो है ना वो करवाने में या बात करने में हर्ज नहीं है एंड वी आर कम्प्लीटली प्रोफेशनल इस तरह से हम जो कि हम चूंकि यूनिवर्सिटी के फॉरम से ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक मैनेजमेंट है हमारे hmm. साथ और हम ऑब्वियसली आंसरेबल हैं हम hmm. कहीं यस आई एम वी आर अकाउंटेबल एंड वी हैव द टीम वो जो टीम है अगर आप उनको देख लें कहीं से तो उनकी उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको बताएंगे कि दे आर ट्रेंड इन सिविल टाइप ऑफ उनके पास असेसमेंट्स लाइसेंस थे वो अच्छी असेसमेंट कर सकते हैं अब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज तो वैसे आते नहीं है कि इंसान कहे कि जी पता नहीं कैसे कैसे केसेस है ऐसा कुछ नहीं होता सारे बच्चों के सिमिलर केसेस होते हैं स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कभी कभी uh, मतलब टेंशन uh, में आए हुए होते हैं एंगर uh, मैनेजमेंट के इश्यूज उनके साथ होते हैं फिर पैनिक होते हैं थोड़े से पैनिक डिसऑर्डर हमारे यहाँ होता है कि जिसमें आप uh, मतलब परफॉर्मेंस uh, जो एनजाइटी है वो बहुत ज्यादा होती है इस तरह की चीजें हैं और मैनेजमेंट <coughs> uh, हाँ जी बहुत सारी हैं जैसे और भी हैं फॉर एग्जाम्पल बॉडीली कम्पलेन बच्चों की बहुत होती है कि थक जाते हैं बहुत hmm. ज्यादा लथारजी होती है सर में दर्द रहता है hmm. और कुछ मैं तो ये देखती हूँ कि इनकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत खराब है इतना गंदा खाएंगे तो वो कैसे उनकी उनकी हेल्थ बनेगी अच्छा रूटीन सबसे बुरी चीज जो आजकल जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिवली नेगेटिवलीफेक्ट है वो आप लोगों की रूटीन है कि उठने का टाइम सोने का टाइम वो ठीक नहीं है तो ये छोट छोटी छोटी चीजें हैं मतलब अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट पे आ जाएं मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं उनके लिए तो क्योंकि अब इस वक्त तो उनके अंदर एनर्जी है वो आ, they are active, they are active, energetic, तो इस वक्त उनको शायद ये चीजें समझ नहीं आएंगी लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा पेरेंट्स भी ज्यादा कहते रहते होंगे तो अगर थोड़ा सा कान धर लें उन चीजों के ऊपर और थोड़ी सी भी अगर आप एडजस्टमेंट अपनी रूटीन की करते अपना ख्याल रखें अपनी पढ़ाई की टाइमिंग्स को जरूर मतलब उसको हवा नहीं बना के अपने सबसे सवार करें ना उसको एक टाइम दें उस टाइम पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें जी। इसके अलावा देखें यही एज है जिंदगी को एंजॉय करने की फिर तो ये वापस नहीं आएगी आप एंजॉय भी करें मतलब अब ऐसा भी नहीं है कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ही पढ़ाई के चक्रों में हर तरह की एक्टिविटी को छोड़ देते हैं नहीं भाई पढ़ना है तो आई थिंक वो भी बाद में स्ट्रेस में चले जाते हैं बीमार हो जाते हैं

आप टेंशन में जा रहे हैं आप अपनी चीज़ों पे फोकस ही नहीं आप कर पा करते हैं और और आप उस डब्बे हाँ। से निकल नहीं सकते और वो जो विशियस थिंकिंग होती है ना वो चले जा रही है आप ये करें कि आप हमारे काउंसलिंग सेंटर में आ जाए मे भी शायद एक ही सेशन में आपसे बातचीत हो और आपको एक तरीका पता चल जाए और आपका काम हो जाए और इसी तरह कभी ऐसा हो रहा हो कि बहुत ज्यादा सैडनेस आ रही है मतलब डिसअपॉइंटमेंट बहुत आ रही है हर चीज़ जो है वो अपने ऊपर ही आती हुई लगती है कि मेरे ही बारे में बात हो रही है या hmm. फिर आई एम द फेलियर ओनली आई एम काजिंग दीज ओन लाइफ एंड एवरीथिंग तो आप ज़रूर उसको भी देख लें कि आप मतलब अगर आप हेल्प ले लेंगे अब थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि, कि काउंसलिंग के सेशन के अंदर क्या होता है ताकि बच्चों का ये भी ख्याल परेशानी निकल जाए कि पता नहीं अब वहां पर बैठ कर जो काउंसलिंग है वहां पर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो रही होती हैं कि जो हमारी जनाब हमारा सेल्फ रिवील हो जाएगा हमारा इनर सेल्फ सामने आ जाएगा Uh, but I think will ugly session के लिए we We're going to have a monthly um, sit down with Take the psychology it. department, and hopefully we'll be able to learn uh, uh, a lot of new things that we can incorporate in our lives and maybe spread around the world and spread a little good in the world. So mm -hmm. uh, thank you, Dr. Uzma. It thank was you. a pleasure having you. And ladies and gentlemen, thank you so much for watching. But that's all the time we have. I'll see you next time. Allah